प्रोग्राम में और हमारी आज के कार्यक्रम का चर्चा का विषय है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मतलब कि गति का रेखाचित्र निरूपण। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर रचना गर्ग जी, जो कि NCERT के विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग में फिजिक्स प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका आज के कार्यक्रम में। जैसा कि आप सब जानते हैं, एग्ज़ाम टाइम को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक स्पेशल लाइव प्रोग्राम सीरीज स्टार्ट की है, जो कि 4 से 5 टेलीकास्ट की जाती है मंडे टू फ्राइडे। तो अगर आपके कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्न हो, सुझाव हो, तो आप हमसे हमारे टोल फ्री नंबर या ईमेल आईडी के द्वारा या फिर अपनी एक छोटी सेल्फी वीडियो बना के अपने प्रश्न हम तक पहुँचा सकते हैं। मैम, आज बात हो रही है मोशन की और उसको कैसे ग्राफ्स में रिप्रेजेंट किया जाए। पर बात मोशन की है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें कुछ क्वेश्चंस मिले हैं बच्चों के। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि एक या दो प्रश्न ले लूँ मैं उन बच्चों का। तो सबसे पहला प्रश्न आया है प्रियंका जी का, जो कि जानना चाहती हैं कि मोशन की बात हो रही है तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम रियल लाइफ में कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देखो शिल्पा, हमारा तो पूरा जीवन ही गति के अनुभवों से भरा हुआ है। हमारे चारों ओर के कई वस्तुएं हमें गति करती दिखती हैं, तो ये सारे ही अनुभव मिलके हमारी जो गति के बारे में समझ है वो बढ़ाने में, बनने में मदद करते हैं। राइट, तो दैट्स कम्प्लीटली अप टू प्रियंका कि वो कैसे उसको अप्लाई करती हैं, राइट, रियल लाइफ में। मैम, एक और प्रश्न लेती हूँ मैं। बीना यादव जी का प्रश्न है, व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट। ओके, रेफरेंस पॉइंट, ओके। ये बताओ शिल्पा कि हम कब किसी वस्तु को गतिमान कहते हैं, हम कब कहते हैं कि कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है और कब कहते हैं कि ये मोशन में है। तो जब कोई भी वस्तु किसी फिक्स्ड पॉइंट से किसी वस्तु की दूरी बदल रही होती है, या तो बढ़ रही होती है या घट रही होती है, तो हम कहते हैं ये वस्तु मोशन में है। और अगर वो दूरी फिक्स्ड रहती है तो हम कहते हैं वो वस्तु स्टेशनरी है। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। बट ये जो रेफरेंस पॉइंट है ये हमारे ऊपर है कि हम किसको लें। अभी मैं उठ के यहाँ से चलना शुरू करूँ तो मैं इस बिंदु को रेफरेंस पॉइंट लेके मेरी दूरी कैसे बदल रही है वो नाप सकती हो, या वहाँ बिंदु ले सकती हो या वहाँ बिंदु ले सकती हो। तो यहाँ एक बात हमारे दर्शकों को ध्यान रखने की है कि रेफरेंस पॉइंट की चॉइस से एक ही वस्तु एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से लगता है कि मूविंग है और दूसरे रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से वही वस्तु लगता है कि स्टेशनरी है। तो अब तुम पूछोगी कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो, तुमने ट्रेन में ट्रैवल किया होगा। अब जब तुम ट्रेन में सफ़र कर रही हो तो अगर प्लेटफॉर्म का एक खम्बा लें एज अ रेफरेंस फ्रेम, तो उसके मुकाबले अगर ट्रेन चल रही है तो तुम इन मोशन हुई या स्टेशनरी हुई, इन मोशन हुई तुम। ऑन द अदर हैंड, अगर तुम अपने कंपार्टमेंट के अंदर का ही कोई एक बिंदु ले लो, उसके मुकाबले क्या तुम मोशन में होगी? नहीं, स्टेशनरी होगी। तो यानी कि ऑब्जेक्ट वही है, सिचुएशन वही है, बट रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से वही ऑब्जेक्ट इन मोशन भी हो सकता है या स्टेशनरी भी हो सकता है। अब मैम, ग्राफ्स की बात हो रही है, हम काफ़ी सारे ग्राफ्स देखते हैं, लाइक न्यूज़पेपर, इन मैगजीन, काफ़ी सारी जगहों पे हमें तरह तरह के ग्राफ्स दिखते हैं, पर मोशन को पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट करने के लिए किसी पर्टिकुलर तरीके का ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। चलो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं शुरुआत में कुछ वही तरह तरह के ग्राफ दिखाती हूँ जिनकी तुम बात कर रही हो। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक मेरे पास ये ग्राफ है, राइट। ये एक बार ग्राफ कहलाता है। ये बार ग्राफ का मतलब, देखो पहले तो मोटे तौर पे मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी ग्राफ है, ग्राफ से हम क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, चित्रीय फॉर्म में। तो अब ये बार ग्राफ हम देखें तो इसमें हमने क्या किया है कि इंफॉर्मेशन को हमने इन बार्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। ये सारी बार्स एक चौड़ाई की हैं पर इनकी ऊंचाई फ़रक फ़रक है। अब
ये जो ऊंचाई है ये जिस इंफॉर्मेशन को ये रिप्रेजेंट कर रही है उसके प्रोपोर्शनल है. तो यहाँ पे देखते हैं कि किस इंफॉर्मेशन को ये दिखा रही है. यहाँ पे हम ये दिखा रहे हैं कि एक क्रिकेट टीम ने डिफरेंट ओवर्स में कितने रन स्कोर किए. तो हमने इस एक्सिस पे हमने क्या किया कि ये ओवर्स प्लॉट किए, वन ओवर, टू ओवर, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, और यहाँ पे हमने रन्स प्लॉट किए. तो देखो हमें एकदम दिखाई पड़ रहा है कि पहले ओवर में एक ही रन हुआ, दूसरे ओवर में पांच रन हुए, तीसरे में तीन रन हुए, एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये एक तरह का ग्राफ जो कि अक्सर मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलता है. मैं एक और दिखाती हूँ. देखो ये है डबल बार ग्राफ, ये भी एक तरह से बार ग्राफ का ही एक स्वरूप है, पर यहाँ पे तुम देखोगे दो दो बार्स बगल बगल बन रही है. तो ये इसलिए है कि हम दो दो अलग चीज़ों की इंफॉर्मेशन को कंपेयर करने में मदद मिलती है. तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया है कि दो शहरों में अलग अलग महीनों में महीने के औसतन कितने घंटे सनशाइन रही उसका ग्राफ प्लॉट किया है. तो एक यहाँ पे हमने महीने प्लॉट किए हैं जनवरी टू दिसंबर, यहाँ पे सनशाइन के घंटे प्लॉट किए हैं. राइट, अब ये जो बार हैं जो खाली दिख रही हैं ये एक शहर के लिए हैं, और जो दूसरी ये ग्रे कलर्ड बार्स दिख रही हैं ये दूसरे शहर के लिए. तो देखो हमें यहीं पे कंपैरिजन हो रहा है कि जनवरी के महीने में इस शहर में ज़्यादा देर सनलाइट रही. राइट, वेयर एज अप्रैल में दूसरे शहर में ज़्यादा रही. ठीक है, तो ये एक और टाइप का हुआ. एक और टाइप का मैं दिखाती हूँ. दिस इज़ कॉल्ड सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट. यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक सर्कल को सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर एक सेक्टर जिस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल होता है. राइट, तो यहाँ पे हम क्या इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं, यहाँ हम ये दिखा रहे हैं. देखो टीवी सब लोग देखते हैं और उसका फीडबैक होता है कि कितने परसेंट व्यूअर्स किस तरह के प्रोग्राम देखना पसंद करते हैं. तो एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेटिव, न्यूज़ और स्पोर्ट्स, तो वो हमने यहाँ पे दर्शा दिया है इसका. ओके, अब देखो एक और है. दिस इज़ हिस्टोग्राम. दिस इज़ अनदर काइंड ऑफ बार ग्राफ, बट इसमें क्या है कि रेंजेस का डेटा हम शो करते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने ये देखा कि 40 से 45 किलो के बीच कितने लोगों का वज़न होता है. हाँ, जैसे एक ऑफिस में जाके आपने लोगों को वेट किया, 100 लोगों को मान लो, फिर 45 से 50 के बीच कितने लोगों का था, 50 से 55 के बीच, 55 से 60 के बीच, एंड सो ऑन. राइट, फिर एक और तरह का ग्राफ है, इट इज़ कॉल्ड लाइन ग्राफ. राइट, इसमें क्या है कि जो डेटा है उसको हम लाइन द्वारा निरूपित करते हैं. राइट, और ये लाइन जो है दो क्वांटिटीज़ के बीच की रिलेशनशिप शो करती है. जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि किसी पर्सन का वज़न उम्र के संग कैसे कैसे बढ़ा. तो देखो पैदा होने से लेके 22 साल की उम्र तक प्लॉट किया है. तो आपको यहाँ पे एकदम देख सकता है कि 2 साल की उम्र तक तेज़ी से बढ़ा, 2 से 4 थोड़ा स्टेशनरी रहा, फिर 2 से 12 या 16 तक 1 से रेट पे बढ़ा, और 16 से 18 पे फिर तेज़ी से बढ़ा, और 18 से 22 के बीच बहुत धीरे धीरे बढ़ा. राइट, लाइन ग्राफ तरह तरह की क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप जताने के लिए, दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे ये वाले लाइन ग्राफ में टेम्परेचर, डे टेम्परेचर समय के संग कैसे बदल रहा है वो दर्शाया गया है. तो सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक टेम्परेचर कैसे 35.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 39 डिग्री सेल्सियस तक बदला, ये दिख रहा है ना. 11 बजे तक बढ़ा, 11 बजे के बाद कम होने लगा,
फिर एक से दो के बीच कांस्टेंट रहा और दो से तीन के बीच फिर थोड़ा बढ़ा, तो ग्राफ देख के ही सीधे। एक क्वेश्चन है मेरा, लाइन ग्राफ में हमने जब स्टार्ट किया भी डिस्कशन, तो लाइन ग्राफ में पर्टिकुलरली ये क्रेस्ट एंड ट्रफ टाइप क्यों होता है? राइट, ये क्रेस्ट एंड ट्रफ का मतलब ये होता है कि जीरो से इसके बीच का हमने स्केल नहीं दर्शाया है, राइट? क्योंकि देखो यहाँ पे दो खाने मिलके, रादर एक खाना जो है आधा डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, तो अगर हम जीरो से 34 तक ले जाते तो ये बहुत ऊपर, तो इसलिए उसको स्किप करने के लिए हम ऐसे बना देते हैं। देखो लाइन ग्राफ का ही एक और मैं नमूना दिखाती हूँ। इसमें हमने बनाया है कि मान लो एक ट्रेन या बस सुबह 8 बजे चली और 2 बजे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँची, तो हर एक घंटे में उसने कितनी दूरी तय की। तो 8 से 9 के बीच में वो 50 किलोमीटर चली, फिर 9 से 10 के बीच देखो 100 किलोमीटर चली, 10 से 11 के बीच में फिर से 50 किलोमीटर चली। अब देखो ये वाला हिस्सा बहुत गौर से देखने का है, 11 से 12 के बीच में क्या हुआ? 11 से 12 के बीच में वो 200 किलोमीटर पे ही खड़ी रही, तो हो सकता है उसने वहाँ पे टी ब्रेक पैसेंजर्स को करने के लिए कहीं पे खड़ी हुई हो, और फिर 12 बजे से 2 बजे के बीच इसने तेज़ी से 150 किलोमीटर का फासला तय किया, राइट? तो अब क्या है कि जो भांति भांति प्रकार के ग्राफ्स मैंने दिखाए, तो डिपेंडिंग ऑन कि हमें किस डेटा का रिप्रेजेंटेशन करना है, हम ग्राफ कौन सा ग्राफ बेस्ट रहेगा उस रिप्रेजेंटेशन के लिए, हम उसको सेलेक्ट करते हैं। अब जहाँ तक गति की बात आई, मोशन की बात आई, तो उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए जनरली हम लाइन ग्राफ्स का यूज़ करते हैं, बिकॉज दोज आर बेस्ट सूटेड। तो मैं लाइन ग्राफ्स को जरा सा सम अप करूँगी। आपने कहा बेस्ट सूटेड, तो अगर हम जान पाए ब्रीफली कि बेस्ट सूटेड क्यों है लाइन ग्राफ? राइट, बिकॉज जब हम गति की बात करते हैं तो वहाँ हम हमेशा कम से कम 2 पैरामीटर्स में रिलेशनशिप देखते हैं, तो लाइन ग्राफ्स जो हैं वो कंटिन्यूस रिलेशनशिप दिखाते हैं, अनलाइक बार ग्राफ्स और पाई चार्ट्स, राइट? अब देखो लाइन ग्राफ को अगर हम सम अप करें तो इट इज़ अ 2-डाइमेंशनल ड्राइंग शोइंग डिपेंडेंस ऑफ 1 क्वांटिटी। अब ये 1 क्वांटिटी टिपिकली मोशन के केस में क्या क्या होती है, या तो डिस्टेंस हो सकता है, या वेलोसिटी हो सकती है, या एक्सेलरेशन हो सकता है, एंड डिपेंडेंस ऑफ दिस 1 क्वांटिटी ऑन अनदर क्वांटिटी। अनदर क्वांटिटी हम जिस तरह की बातें करेंगे उसमें टाइम की बात करेंगे, राइट, टू डिस्क्राइब द मोशन, राइट। मैम इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न लेती हूँ, रोमिल जी का प्रश्न है। उनका पूछना है, व्हेन वी से आउट ऑफ 2 एंटिटीज वन इज अ डिपेंडेंट सेट ऑफ वेरिएबल्स व्हाइल अदर इज इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेरिएबल्स इन मोशन ग्राफ, व्हाट डज इट मीन? ओके, मैं आई थिंक यही वाला ग्राफ फिर से दिखाती हूँ। हाँ जी, देखो अगर हम यहाँ देखें 2 क्वांटिटीज़ क्या हैं, एक डिस्टेंस है और एक टाइम है, तो टाइम तो चल रहा है अपने तरीके से, अब उस टाइम के संग दूरी कैसे बदल रही है हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे टाइम इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन दूरी, टाइम इज़ एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड दूरी इज़ डिपेंडेंट ऑन द टाइम। मतलब अगर आप यहाँ से कहीं चले तो 5 ही मिनट चले तो कम दूरी होगी, 15 मिनट चले तो दूरी ज़्यादा होगी, और जनरली जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे बनाते हैं और डिपेंडेंट को वाई पे बनाते हैं। बट एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि कहीं भी अगर टाइम देखो तो इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम हमेशा ही एक्स एक्सिस पे होगा। मान लो अगर ग्राफ ये बनाना चाहते हो कि अलग अलग बच्चों ने एक ही एक्टिविटी को कितनी दूरी में कितने टाइम में पूरा किया, लेट से बच्चे दौड़ रहे हैं तो वो डिस्टेंस मान लो सेम है, 100 मीटर्स और 500 मीटर्स और वट एवर, पर टाइम कितना लगेगा
वो फ़र्क हो जाएगा. तो यहाँ पे अब दूरी जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाएगा और टाइम विल बी द डिपेंडेंट क्वांटिटी. तो ये एक ज़रूरी बात ध्यान रखने की है. बट मैम वन थिंग कि हम ग्राफ्स के द्वारा ही मोशन को क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके तुम्हें क्या लगता है, जैसे ये मेरे पास एक ग्राफ है. हाँ, अब इस ग्राफ में सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने टेबल फॉर्म में दी है और उसी इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में दिया है. बोथ आर गिविंग द सेम इन्फॉर्मेशन. तो व्हाई डू यू थिंक विच वन इज़ बेटर एंड व्हाई? ये थोड़ा शायद तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने हाँ में. ओके एक कुछ फ़ायदे हैं. आई थिंक ये हम सबको समझना ज़रूरी है कि व्हाट आर द फायदास. सो वन फ़ायदा इज़ कि देखो यहाँ पे यही इन्फॉर्मेशन बहुत कन्वीनियंटली हमें जो है दिखाई पड़ती है. राइट यही इन्फॉर्मेशन जो यहाँ दी है यहाँ पे हमें बहुत कन्वीनियंटली दिख रही है. दूसरा क्या है, अभी हम प्रोग्राम में आगे देखेंगे कि ग्राफ को देख के ही, ग्राफ का स्लोप देख के, इसका और कुछ कुछ शेप देख के, हम क्विकली वो इन्फॉर्मेशन बस देख के निकाल सकते हैं जो हमें यहाँ पे गौर से थोड़ा कुछ कैलकुलेट करके निकालनी पड़ेगी. राइट अच्छा दूसरा क्या है कि अभी तो देखो यहाँ जो मैं उदाहरण दिखा रही हूँ इसमें डेटा बहुत कम है. बट अगर ये बहुत सारा डेटा होता, मान लो इसमें 200 रीडिंग्स होती, तो 200 रीडिंग अगर टेबल फॉर्म में है तो उसको एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता. ग्राफिकल फॉर्म में एनालाइज करना आसान होता. क्योंकि देखो अल्टीमेटली जब भी कोई डेटा हमारे पास है, वेदर इट्स इन द टेबल फॉर्म या ग्राफ के फॉर्म में है, हमारा एम क्या है, हम उसको एनालाइज करके हम उससे कुछ कंक्लूजन निकालना चाहते हैं. केवल चित्र बना के छोड़ देना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है जब डेटा हमारे पास है. राइट अच्छा एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है कि देखो इस टेबल से तो हमें इन्फॉर्मेशन केवल 5 मिनट तक की मिल रही है. बट जब हमने ग्राफ बना लिया, अब अगर हम पूछें कि प्रिडिक्ट करो, पक्का नहीं कह सकते बट प्रिडिक्ट करो कि 6 मिनट पे ये कहाँ होगा, कितनी दूरी ट्रैवल कर ली होगी, तो ग्राफ में आप ये देखते हुए आप बता सकते हो कि 6 मिनट पे या 6 किलोमीटर पे होगा. तो इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन. तो ग्राफ हमें एक्स्ट्रापोलेशन करने की में सहायता करते हैं. दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि कैसे बड़े डाटा को हम ऐसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और वो सिंप्लीफाइड हो जाता है. लेकिन मैम इस ग्राफ को ड्रॉ कैसे किया जाए? ओके देखो ग्राफ को बनाने के लिए हम लोग सब ग्राफ पेपर का प्रयोग करते हैं. ये तुमको पता ही होगा. जैसे ये एक मेरे पास ग्राफ पेपर है. राइट अब अगर इस ग्राफ पेपर को हम ध्यान से देखें तो इसमें एक एक सेंटीमीटर के खाने बने हुए हैं और उस राइट अगर ये हम जो क्लियरली ग्रीन लाइंस दिख रही हैं ये एक एक सेंटीमीटर की हैं. राइट तो हम क्या करते हैं कि एक हम ये लाइन बनाते हैं और एक हम ये लाइन बनाते हैं. इस लाइन को हम एक्स ओ एक्स डैश करते हैं और इस लाइन को हम वाई ओ वाई डैश करते हैं. अब जो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम इस लाइन पे निरूपित करते हैं और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको इस लाइन पे. अब इस लाइन वाली क्वांटिटी में जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो ओ से एक्स के बीच करते हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ को ओ से एक्स डैश के बीच. सिमिलरली डिपेंडेंट क्वांटिटी की पॉजिटिव वैल्यूज़ को ओ से वाई के बीच और नेगेटिव को ओ से वाई डैश के बीच. तो एक तरह से ये दो लाइन 1, 2, 3, 4 क्वाड्रेंट्स में ग्राफ पेपर को डिवाइड कर देती हैं. बट मोशन के लिए हम जितनी बात करने वाले हैं तो हम केवल पॉजिटिव क्वांटिटीज की बात करेंगे. तो हम फिर आगे केवल इस क्वाड्रेंट पे बात करेंगे. अभी पर इसी में अब देखो इस क्वाड्रेंट में कैसे ड्रॉ करना है. तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं एक वही पुरानी वाली
में से एक डेटा लेती हूँ जिसमें टेबल बना हुआ था। ओके, टेबल बना हुआ था वो ये वाला है। हाँ जी, राइट। देखो, अब हमारे पास ये डेटा है, अभी हम ये वाले ग्राफ को ढक देते हैं। ये हमारे पास, अगर बच्चे ये वाला डेटा देख पाएँ तो देखो, इस डेटा में टाइम दिया हुआ है मिनट में और डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर में। तो ज़ीरो टाइम पे डिस्टेंस ज़ीरो था, यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो तुमने शुरू में रेफरेंस पॉइंट की बात कही थी, रेफरेंस पॉइंट पे ही है। एक मिनट में उससे एक किलोमीटर दूर हो गया, एंड सो ऑन। अब ये इंफॉर्मेशन का हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। सो व्हाट वी विल डू इज़, देखो मैं समय बचाने के लिए इसको पार्शियली बना के लाई हूँ। हम दो लाइन बनाते हैं, राइट। अब दो लाइन बनाने के बाद हम सबसे पहले तो ये तय करते हैं कि किस लाइन पे क्या निरूपित करेंगे। तो ऑब्वियसली टाइम इज़ इंडिपेंडेंट, तो उसको यहाँ निरूपित करेंगे। डेटा मिनट में दिया है तो हमने ब्रैकेट में इन मिनट्स लिख दिया। देन डिस्टेंस को हम y पे करेंगे, इट्स डिपेंडेंट। किलोमीटर में दिया है, इन किलोमीटर लिख दिया। अब अगली चीज़ हमको तय करनी है, स्केल। यानी कि इसका स्केल क्या हो और इसका स्केल क्या हो। तो स्केल तय करने के लिए, स्केल हम खुद तय कर सकते हैं, स्केल तय करने के लिए हम ये प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कागज़ का प्रयोग हो और फैला हुआ ग्राफ आए, क्योंकि फिर एनालिसिस के लिए उतना अच्छा रहेगा। तो हमने देखा कि 5 मिनट तक हमें जाना है। तो अगर हम दो दो खानों पे निशान लगाएं, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, मैं अगर इसको लिखूं तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं मैम। हाँ हाँ, ऐसे कर लेते हैं, 5, 6। ओके, तो मैंने एक तरह से 2 सेंटीमीटर को माना 1 मिनट के बराबर। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर 1 मिनट के बराबर है, राइट। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, कई बार हम लोग ग्राफ बनाते समय ये मिस कर देते हैं। अब सिमिलरली डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस की अगर मैं रेंज देखूं तो ये 0 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक गया है। तो यहाँ भी फिर मैं यही मान लेती हूँ कि 2 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो यहाँ भी फिर मैं यही लिख लेती हूँ वैल्यूज़। अच्छा, अब शिल्पा ऐसा करो कि मेरे को ये बताओ कि 1 मिनट पे वस्तु की दूरी कितनी थी, ये जो टेबल है ये देख के। 1 मिनट में वस्तु की दूरी 1 किलोमीटर थी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 1 देखा 1 मिनट पे, और इधर से भी 1 देखा, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगा दिया, राइट। अच्छा, अब 2 मिनट पे बताओ वस्तु की दूरी कितनी है। 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, तो देखो मैं यूँ 2 पे ऊपर गई है ना, और यहाँ से भी 2 देखा और इसको निशान लगा दिया, राइट। अब 3 पे बताओ। 3 किलोमीटर, तो ये यहाँ निशान आ गया। 4 पे बताओ। 4 मिनट पे 4 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। ओके, और कोई डेटा है? 6 मिनट का तो नहीं है, नहीं। तो हमारे जितना डेटा था उसके बिंदु लग गए। अब हम इनको जोड़ेंगे। तो मुझे ये देखने से सीधी लाइन लग रही है, तो इसको फिर मैं स्केल लेके ही जोड़ दूंगी अच्छे से। पर हो सकता था कि ये सीधी लाइन नहीं होती तो हमको फ्री हैंड जॉइन कर, राइट। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। मैम, यहाँ पे एक प्रश्न लेती हूँ नेहा भसीन जी का। हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, उसी से रिलेटेड है कि मैं पॉइंट्स कैसे प्लॉट करूँ। ओके, तो देखो अभी हमने ये पॉइंट्स प्लॉट किए तुम्हारी मदद से, इसी को मैं चलो एक बार फिर दोहरा देती हूँ जल्दी से, कि 1 मिनट पे दूरी 1 किलोमीटर थी। तो हमने ये, अगर फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक और तरीका होता है कि यहाँ से एक ये डॉटेड लाइन डाल दो, राइट। अब 1 मिनट पे आपकी दूरी 1 किलोमीटर थी, तो यहाँ से फिर एक ये हल्की सी
डॉटेड लाइन डाल दो, तो ये जहाँ पे कटा ये आपका पॉइंट बन गया। ओके, मींस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा हाँ, वो पॉइंट। अब ऐसे ही देखो, जैसे दो मिनट पे मैंने ये डाली और यहाँ पे दो मिनट में 2 किलोमीटर चला था, ये डाली तो ये मेरे को दूसरा बिंदु मिल गया। मैम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें तो ये हमेशा क्या स्ट्रेट लाइन पे ही होती है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ क्या था, बराबर समय अंतराल में, यानी कि देखो ये समय अंतराल एक एक मिनट के हैं, तो बराबर समय अंतराल में ये ऑब्जेक्ट बराबर दूरियाँ तय कर रहा था, यानी कि हर एक मिनट में ये भी 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिली। बट अगर बराबर दूरी तय नहीं करता तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती। मैं इसका एक उदाहरण दिखाती हूँ। देखो ये एक और डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, राइट? अब इसमें अगर आप देखो, इसमें अगेन टाइम दिया है, फर्क बस इतना है टाइम सेकंड्स में दिया है और डिस्टेंस अब मीटर्स में दिया है। यहाँ पे आपको हिसाब लगाना पड़ रहा है कि अच्छा पहले सेकंड में कितनी दूरी 2 सेकंड में चली, अगले 2 में कितनी चली, ऐसे निकालना पड़ेगा। जो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ग्राफ से क्या फ़ायदा है। बट यहाँ पे जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो पहली बात तो ये देखो कि ये सीधी लाइन नहीं आई। प्लॉट करने का तरीका वही था जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसी प्रोसेस से प्लॉट किया तो वी फाइंड कि ये सीधी लाइन नहीं आई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वस्तु एक समान गति से नहीं चल रही, शुरू में धीरे धीरे चल रही थी और फिर आगे तेज हो गई है ना। अब तुम पूछोगी कि आपको कैसे पता चला कि शुरू में धीरे चल रही थी, ग्राफ से कैसे पता चला और आगे धीरे हो गई? तो देखो इसकी बहुत मोटी सी पहचान है कि 2 समय अंतराल लो, जैसे मान लो मैं 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच का टाइम लेती हूँ, राइट? हाँ जी। अच्छा, अब ये 2 से 4 में हम ये करते हैं कि हमने ये वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की, राइट? अब यहीं से मैंने हल्का सा मैम नीचे कर देते हैं, ओके? यहीं से मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की। तो देखो इतने समय अंतराल में ये वस्तु तुम्हारी इतनी दूरी चली, राइट? अब इतना ही समय अंतराल यानी कि 2 सेकंड का मैं इधर लेती हूँ, तो यहाँ से एक लाइन खींची तो 8 मिनट पे ये वस्तु कहाँ थी वो हमें पता चल गया कि यहाँ थी, राइट? और 2 सेकंड का मतलब 12 सेकंड पे, सॉरी मैंने 2 सेकंड लिया ना, तो यहाँ से खींचेंगे 10 सेकंड पे ये वस्तु यहाँ पे थी, तो इसकी दूरी कितनी थी? थोड़ा सा शायद मेरी लाइन टेढ़ी हो रही है। तो अब देखो उसी समय अंतराल में, यहाँ भी 2 सेकंड का समय अंतराल है और यहाँ पे भी है, यहाँ 2 सेकंड में इतनी दूरी चली थी, वेयर एज यहाँ पे इतनी दूरी चली। तो कौन सी दूरी ज़्यादा है? ऊपर वाली दूरी ज़्यादा है। तो समय बराबर है पर यहाँ दूरी कम है और यहाँ दूरी ज़्यादा है। तो इससे ग्राफ देखते ही हमने कंक्लूजन लगा लिया, निकाल लिया कि यहाँ पे वस्तु धीरे धीरे चल रही है और यहाँ पे फास्ट। जब बच्चे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना और उसकी एनालिसिस करने की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस होती जाती है उन्हें, तो उन्हें ये लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बस शेप देख के भी कंक्लूजन्स निकाल पाते हैं। लेकिन मैम ऐसे ग्राफ्स में मोस्टली कंफ्यूजन आता है, फॉर एग्जांपल आपने डिस्टेंस की बात की, यहाँ पे तो 2 टू 4 है टाइम का, जो कि इट्स काइंड ऑफ इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन यहाँ पे 0 1 देन इट्स कमिंग टू 4 देन इट्स 9 16, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि उसको ड्रॉ कैसे किया जाए। ओके, हाँ जी। सो देखो शिल्पा, ड्रॉ करने का वही तरीका है, 0 0 यानी कि हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, 2 सेकंड पे 1 मीटर हुआ तो 2 सेकंड पे इधर देखो ये 1 मीटर है, है ना? इसका जो स्केल है ये एक छोटा खाना 1 मीटर दर्शा रहा है और यहाँ पे 4 खाने जो हैं वो आपके 2 सेकंड,
यानी कि एक खाना आधा सेकंड दर्शा रहा है। अब अगला डेटा तुम्हारा है कि 4 सेकंड पे 4 मीटर होगा, तो 4 सेकंड पे यहाँ पहुँचे और ये 4, तो ऐसे करके सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। और अब क्योंकि हमें दिख रहा है ये एक लाइन में नहीं है, तो हम स्केल से ना मिला के यूँ हम फ्री हैंड ये कर्व बना लेते हैं। मैम, हम प्रोग्राम के अंत में आ गए हैं ऑलमोस्ट, तो अगर आप क्विकली कुछ कंक्लूडिंग वर्ड्स बोल सकें। ओके, देखो इसमें मैं एक बात तो ये कहना चाहूँगी कि बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उसका ग्राफ क्या होगा। राइट, तो जैसे अगर तुम रेफरेंस पॉइंट हो और मैं तुमसे 1 मीटर दूर हूँ और मैं स्टेशनरी हूँ, तो यहाँ पर अगर ये मेरा, इसको मैं मीटर मानूं और ये एक है, तो ये लाइन तुम्हारी जो है, ये लाइन तुम्हारी ऐसे होगी, मेरी लाइन बहुत सीधी नहीं बनी स्केल से। और मान लो अगर रेफरेंस पॉइंट मैं ही होती और मैं यहाँ पे स्टेशनरी हूँ, तो अगर मान लो मैं आधा घंटे तक यहाँ स्टेशनरी हूँ और यहाँ पे मान लो आधा घंटा यानी 30 मिनट्स यहाँ तक हैं, तो उसको फिर हम इस लाइन से दर्शाते। बट ठीक है, एक चीज़ तो ये अच्छा, हमने शुरू में ही कहा कि जो मोशन है इसको आप जनरली 3 तरह के ग्राफ्स करते हो। डिस्टेंस टाइम की हम बात करते रहे हैं, वेलोसिटी टाइम एंड देन एक्सेलरेशन टाइम, राइट। एक और मैं बात छोटी सी और कहना चाहूँगी कि कोई भी जो ग्राफ होता है राइट, उससे हम और बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन डिराइव कर सकते हैं 2 तरह से। एक तो ग्राफ के स्लोप से, जैसे यहाँ मैं एक VT ग्राफ यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखा रही हूँ, तो अगर इसका स्लोप निकालें तो उससे हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है। स्लोप निकालने का मतलब एक्सेलरेशन विल बी V2 - V1/T, ठीक है। तो कोई भी 2 वैल्यू लेके उसका एंड ताकि हम अच्छे से देख सके, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, राइट। ओके, और जो इस लाइन के नीचे का एरिया है, इस एरिया को पता करके हम इसी VT ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, राइट। तो ग्राफ का, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि और भी जब हम एनालाइज करते हैं तो और भी हम बहुत तरह की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो आज हमने काफ़ी बेहतर तरीके से जाना कि मोशन को ग्राफ्स पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए प्रोफेसर रचना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज के प्रोग्राम से जुड़े हुए आपके और भी कुछ प्रश्न या सुझाव है, तो आप हमसे हमारे टोल फ्री नंबर या ईमेल आईडी के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, तब तक देखते रहिए किशोर मंच।